राजधानी रायपुर में उप मुख्यमंत्री साव ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में सिर्फ झूठ का पुलिंदा बांधा है। वहीं संवैधानिक पद पर होकर देश की जनता से झूठ बोला, यह मामला गंभीर है। 110 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को हिंदुत्व का अर्थ नहीं पता और ना ही इसकी जानकारी है। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के खिलाफ बोलना कांग्रेस की नीयत हो गई है। राहुल गांधी के बयान से सारा हिंदू समाज परेशान है। आने वाले समय में इस विषय पर योजनाबद्ध काम किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर होकर भी देश की संसद से झूठ बोलना, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। देश के लोगों को गुमराह करने के लिए संसद का इस्तेमाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 बात करते हैं, यह उनके भाषण का अंश है। यह कितना गंभीर मामला है। देश के 110 करोड़ हिंदुओं का यह अपमान है। न तो नेता प्रतिपक्ष को हिंदू की परिभाषा मालूम है, न अर्थ मालूम है, बिना किसी जानकारी के इस प्रकार से सभी हिंदुओं को हिंसक कहना, नफरती कहना, झूठा कहना, देश के 110 करोड़ हिंदुओं का ये अपमान है।